हाय, जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था उसका आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है, मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला, मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है, अगर दान करना है किसी को, अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो, गलत जगह पर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरो को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु संन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए, अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़िए। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है, बहुत कितना सुंदर कहा है। ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है, देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जमके, किस किस ने देखा है जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना, चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया, गिरकर उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन, मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय और लक्ष्मी, सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना, मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो, और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है, मालूम पड़े वो गया वहाँ, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है, बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याना, लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याह। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए, थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं तो गाय को कहाँ रखें, उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा, बाद में गाय कसाई के यहाँ चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में
कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो हम उससे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी, और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए, वो काम छोड़कर भग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार? अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो, और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जब तुम उसको बुलाओगे, वक्रेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं हो, वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता है, उसकी याद, उसका स्मरण। महाराज, अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सता। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर, बकरी पत्ती को खाते खाते उसका गला कट गया, कटा हुआ गला बकरी का पानी में गिर, धड़ भी पानी में चला गया और बकरी का वो शीश भी पानी में चला। मही संगम था, जो शीश कटा था बकरी का, पवित्र धाम में वो शीश गिरा था, इसलिए संत श्रृंग राजा की बेटी के जन्म के समय पर उसकी बेटी के ही धड़ पर वो शीश लग गया। राजा संत श्रृंग की बेटी के धड़ पर वो शीश लगा, बेटी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, सारे नगर में बात हो गई, बकरी का मुंह है, बकरी का मुंह है, लड़की का जन्म हुआ, बकरी का मुख है, बकरी का मुख है, लकड़ी लड़की का जन्म हुआ है, और लड़की का जन्म हुआ और बकरी का मुख लगा हुआ है। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में। बेटी धीरे 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 बड़ी हुई, बड़ी होने पर उसने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा। 7 वर्ष की बेटी ने जब दर्पण में मुख देखा तो बकरी का चेहरा पाया, बकरी का चेहरा। बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। कल कथा में कहा था भाग्य लिखने वाला देव है, पर भाग्य बदलने वाला महादेव। भाग्य एक पत्र है, जो बैठे हैं उनसे पूछो। ये कथा तो 2 दिन की और है, फरीदाबाद वालों ना जाने कौन सा पुण्य तुमने करा होगा,
जो कार्तिक के महीने में 5 दिन तुमको मिल गए, ये तुम्हारा पुण्य है। कल शिवरात्रि का, कल कथा का चौथा दिन है तो शिवरात्रि हो जाएगी। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा कर हम यहाँ से सीहोर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख का सीहोर में अंकुट है कुबेरेश्वर बाबा का। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आसपास के, सीहोर कुबेरेश्वर धाम के आसपास के, वो 9 तारीख को बाबा का सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अंकुट महोत्सव का प्रसाद भोजन भंडारा रहेगा। आप आकर भंडारा ग्रहण कर सकते हैं, अंकुट प्रसाद पा सकते हैं। 11 तारीख से कथा पीलीभीत दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देव दीपावली कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 साल की बेटी हो गई, 7 वर्ष की बेटी, दर्पण में मुख देखा, दर्पण में मुख देखा तो उसको लगा कि मुझे बकरी का मुख लगा है, दुनिया मेरे पर हंसती है, दुनिया हंसती। दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, सारी दुनिया मेरे पर हंसती है। अपने पिता को नमन करा राजा, संत श्रृंग को नमन कर बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, कुमारी ने, बेटी ने कहा, पिताजी बकरी का मुख पाया है, मैं यहां रहूंगी, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, इसलिए मैं यहां से चली जाती, राज्य छोड़ दिया, राज्य छोड़ा। कभी कभी हम परिवार की आसक्ति में, मोह में इतने पड़ जाते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं। कभी एक पत्र है, ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फोन। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है, पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है, तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान। एक बहन ने पत्र लिखा, रोज मांज रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांजे जाओ, मांजे जाओ, मांजे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर, मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया, क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माठी ब्राह्मण से कहा, चिंता मत करो। पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है, क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, आज मुंह उदास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा, अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बहुत देती, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो, सब हो जाए, बल। पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर, पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं हुआ ना, माँ कह देती है, चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना। बेटी कहती, मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से, तुम चिंता मत करो,
भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिन लगा कर